नारायण नारायण। माते, जिसके अधरों की मधुर मुस्कान सारे संसार को आनंद का संदेश देती है, जिसके सुंदर मुखड़े का ध्यान ही प्राणियों के मन में उजाला कर देता है, आज स्वयं वही दुख और चिंता की मूर्ति बनी हुई है। किस चिंता ने आपके सुंदर मुख को अपनी छाया से ढक रखा है माते? मैं बहुत दुखी हूं देवर्षि, बहुत चिंतित, बहुत हताश। कल ब्रह्मा जी ने मेरा स्वयंवर रखा है, कल मुझे किसी के गले में वरमाला डालनी ही है। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है माते? मुझे तो ये चिंता है देवर्षि कि इस स्वयंवर समारोह में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है, पर मेरे नारायण को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। मैं तो उनके अतिरिक्त किसी और के गले में वरमाला डालने की सोच भी नहीं सकती। और पिताश्री ने उन्हीं को नहीं बुलाया? हाँ, यही चिंता मुझे व्याकुल किए जा रही है। ये तो वास्तव में अन्याय है। आप ही कुछ कीजिए ना देवर्षि। मैं अपने नारायण से विनती अवश्य कर सकता हूं, पर बिना निमंत्रण के वे आएंगे या नहीं ये तो उन पर ही निर्भर करता है। नारायण नारायण। वरुण देव, चंद्रदेव नहीं आया अभी तक। संध्या की बेला हो गई है, बस उदय होने ही वाले होंगे। लीजिए आगे चंद्रदेव। ब्रह्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कारण समय को नष्ट किया जा रहा है। जिन दानवर देवताओं को आमंत्रित किया था वे सब तो आ चुके हैं, अब देर किस बात की? स्वयंवर आरंभ कीजिए। हे अतिथिगण, आज सृष्टि में एक नई प्रथा की नींव डाली जाने वाली है, जिसका नाम स्वयंवर है। अर्थात अपनी इच्छा से अपने लिए वर चुनने का अधिकार केवल कन्याओं को प्राप्त होगा। सागर पुत्री के हाथों में जो पुष्पमाला है इसे ये उसी के गले में डालेंगी जिसको ये अपने योग्य समझेंगी, जो इनका मनभावन होगा। सागर पुत्री, आपको ये माला यहां उपस्थित अतिथियों में से किसी एक के गले में डालनी ही होगी। और हे अतिथिगण, आप भी जान ले, सागर पुत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये जिसे चुनेंगी उसी को इनका अंतिम निर्णय समझा जाएगा, उस पर कोई विवाद नहीं करेगा, किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। हे देवी, मैं स्वयंवर समारोह के आरंभ की घोषणा करता हूं। आगे बढ़िए और जिसे आप अपने योग्य समझें उसके गले में यह पुष्पमाला डाल दें। Thank you.
मैं जानता था यही होगा। अब तो और कोई शेष नहीं रह गया है। सुंदरी, डाल दो ये पुष्पमाला मेरे गले में और सदा के लिए मेरी हो जाओ। सुंदरी, इतना विलंब क्यों? विलंब क्यों? प्रिये, स्वागत है सर्वेश्वर। स्वागत है माता। आइए। हमने आपसे कहा था ना महादेवी कि इस बार हमारा मिलन बहुत मधुर होगा, ऐसा जिसे आप कदापि नहीं भूल पाएंगी। कैसा लगा आपको यह मिलन? बहुत सुंदर, बहुत मधुर, अनुपम। किंतु हे कमल नयन, जब तक आप नहीं आए थे मेरे हृदय की गति रुकी जा रही थी। एक क्षण का भी और विलंब करते आप तो विलंब क्यों करता देवी? आपका मन मुझे पुकार रहा था। जब भी कोई मुझे मन से पुकारता है तो मैं उसके पास जाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। और आप तो देवी, जिन रंगों से हमारा जीवन चित्र बना है ना, उस चित्र के सुंदरतम रंग आप हैं। आपके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, अस्तित्व अधूरा है। तो आपके पास आने में मैं विलंब क्यों करता? मैं मां हूं, धरती मां। श्री विष्णु ने अपना वचन निभाया
सचमुच माता लक्ष्मी से इस बार उनका मिलन इतना अधीर था कि स्वयं मेरी आंखों में हर्ष के आंसू छलकने लगे। दानव एक बार फिर अपनी हार पर क्षुब्ध होकर रह गए। वे शायद इसके बाद मंथन पर भी तैयार ना होते, पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अब अपने लिए अमृत पाने को इतना व्याकुल थे कि उन्होंने अपने दैत्य शिष्यों को सागर मंथन में सहयोग देने पर विवश कर दिया। मंथन फिर आरंभ हुआ। सागर ने अपने गर्भ में छिपे अनमोल कोश लुटा दिए। समुद्र की तह से कामधेनु निकली। एरावत, अश्व, कल्प वृक्ष जैसे अनमोल रत्न निकले, पर प्रतीक्षा तो थी अमृत की, उस पदार्थ की जो मृत्यु की मृत्यु है। और फिर वो घड़ी आ ही गई। वो देखो, कलश में अवश्य ही अमृत होगा। अमृत? अमृत? एक है, हमारे साथ धोखा हुआ है। देवराज, दाने तो अमृत लेकर भाग गए। अब तो संजीवनी मंत्र उनके गुरु के पास है और अमृत उनके हाथों में। ये तो सर्वनाश हो गया देवराज। हमारे साथ भयंकर छल हुआ है, अब क्या होगा? हे जगदीश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। दानव अमृत कलश लेकर भाग गए। संजीवनी और अमृत दोनों की शक्ति पाकर तो वे समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। असंभव, यह असंभव है देवराज। यदि संसार पर दानव संस्कृति का राज हो गया तो सृष्टि की रचना का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। सृष्टि की रचना तो सुंदर विचारों के पनपने के लिए, शांति की सुगंध फैलाने के लिए और मानव को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने के लिए की गई है। नहीं देवेंद्र, नहीं, धरती पर दानवी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है।
दानव संस्कृति का उत्थान सृष्टि के सौंदर्य का अंत होगा। और मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा देवेंद्र, आप चिंता न कीजिए, अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार है और अमृत कलश को आप तक पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व। हे त्रिलोकीनाथ, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, यह आशा लेकर ही तो हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। हे स्वर भानु, हम तुम्हारे आभारी हैं। आज तुम्हारे कारण देवताओं को ज्ञात हो गया कि यदि हम दानव छल पर उतर आए तो देवता हमारे आगे ठहर नहीं सकते। छल विद्या में हम दानव देवताओं से कहीं आगे हैं। मुझे तो गुरुदेव ने भेजा ही इसी उद्देश्य से था कि मैं अमृत को देवताओं के हाथों में ना पड़ने दूं। अब ये सारा अमृत हम पी जाएंगे दानवराज, देवतागण इसकी एक बूंद को भी तरस जाएंगे। चले थे अमृत पीकर अमर होने। सोचो मित्रों, संजीवनी और उस पर अमृत जैसे सोना और उस पर सुहागा, अब हम तीनों लोगों पर छा जाएंगे। देवताओं को बड़ा घमंड अपने भगवान विष्णु पर, अब हम देखते हैं कि वो अभिमानी विष्णु हमारा क्या बिगाड़ पाता है। अमृत का वितरण आरंभ करो। सुंदरी, हे मृगलोचिनी, पुष्प की डाल से लचकते शरीर वाली, चूड़ियां बजाती, पायल झनकारती, हमारे मन पर बिजली गिराती, किस लोक की वासी हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी नहीं, मन मोहिनी कहो। सुंदरी, तुमने तो पहली झलक में हमारे मन मोह लिए। मन करता है तुम्हारे चरणों में अपना तन मन बिछा दूं, तुम्हारी बलखाती काया पर पूरा दानव लोक लुटा दूं। इतने सुंदर स्वरूप से हमारे मन को छलने वाली
तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे नेत्र धन्य हो गए। यद्यपि तुम्हारा आना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है, परंतु मेरे सभागार की शोभा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मैंने सुना है कि तुम दानव ने अमृत प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे गुरु के पास संजीवनी मंत्र और तुम्हारे पास अमृत, अब तो कोई तुम्हारे सामने सिर उठा ही नहीं सकता। शक्तिशाली को कौन प्रणाम नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें इस दोहरी सफलता पर बधाई देने आ गई। ऐसे नहीं सुंदरी, ऐसे नहीं। फिर कैसे? हमें बधाई देना है तो तुम्हारे पांव में बंधी जिस पायल ने हमारे हृदय की धड़कनें तीव्र कर दी, उसी छम छम से हमें बधाई दो। तुम्हारी जिस बोली ने हमारे मन की वीणा के तारों को छेड़ दिया, उसी बोली द्वारा हमें बधाई दो। अपने सुंदर मुखड़े को दमका के, अपनी कंचन काया को लचका के हमें बधाई दो। तुम जैसे महाशक्तिमान की इच्छा पूरी न करूं, मुझमें यह साहस नहीं। देखो आज लियो हरि रूप मोहनिया। निशा निशा रे सारे पग मरे सा निशा रे धानी पम गम निध पंक सी सा रे पग मरे सा निशा रे मरे सा निशा रे मरे सा निशा को व्याकुल कर मधमाते नैनन से नैन बाण मारत है आज चक्र को तज के। देखो विश्व सजन
सजन भए आज सजनिया जो इस जग को नाच नचाए जो इस जग को नाच नचाए देखो उस नटवर ने हे सुंदरी, अमृत पाकर हम बहुत प्रसन्न थे। तुम्हारा ये रूप, तुम्हारा ये छल बल, तुम्हारी ये मन को गुदगुदाती मुस्कान किसी अमृत से कम नहीं। यदि तुम ये अमृत हमें अपने हाथों से पिला दो तो इसकी मिठास और भी बढ़ जाएगी। तुम्हारे स्पर्श की मिठास अमृत में घुल जाएगी तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ दानवराज? परंतु परंतु क्या? हे दानवराज, जिस प्रकार धूप बिना छांव के महत्ता नहीं होती, दिन बिना रात्रि सुहानी नहीं लगती, उसी प्रकार आपकी सभा भी देवताओं बिना सूनी लग रही है। देवताओं बिना? भूल गए? सागर मंथन में वो आपके सहयोगी थे। परंतु वे हमारे शत्रु हैं, हम उनको क्यों बुलाएं? हे दानवराज, आप उन्हें इसलिए बुलाएं कि वे छोटे, आप महान हैं। वे अन्यायी हैं, आप न्यायप्रिय हैं। वे छलिए हैं, पर आप निश्चल है। न्याय कहता है कि इस अमृत पर उनका भी अधिकार है। निश्चलता कहती है कि आधा अमृत आप पिए और आधा वे। महानता कहती है कि छोटों को भुला देना भी छोटापन है। हे कमल नयनी, तुमने हमारे मन को हर लिया है। तुम्हारी बात टालना हमारे वश की बात नहीं। अर्चल, देवताओं को बुलाया जाए।
हे सुंदरी, अमृत का वितरण आरंभ करो, हमसे और अधिक धीरज न धरा जाएगा। अतिथि सत्कार दानव लोक की परंपरा है। इस परंपरा को निभाने के लिए मैं पहले देवताओं को अमृत पान का अवसर दूंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। देवता के वेश में दानव सौरभानु है। सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। छल, महाछल, विष्णु ने एक बार फिर हमसे छल किया, हमें मोहिनी बनकर ठग लिया। विष्णु सावधान। मैं यहां हूं काल केतु। Ha 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 ha
सावधान दानवराज, अब कुछ नहीं हो सकता। स्मरण है हम अमृत पान कर चुके हैं, अमृत पान, हम सभी अमर हैं। अब तुम, तुम्हारे शस्त्र और तुम्हारी सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते कालकेतु। एक नहीं उसकी चली हारा फिर एक बार, अमृत से वंचित रहा दानव का परिवार। देर सही उसके यहाँ नहीं मगर अंधे, जो अमृत के यो